सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका तो हे। तो आज है जनाब 4 अप्रैल और हम कर आए हैं ग्रॉसरी रमज़ान की, क्योंकि रमज़ान करीब है और इससे पहले के मार्केट्स में या सुपर मार्केट्स में रश बढ़ जाता तो हम अपनी ग्रॉसरी कर आ गए। तो हमारा प्लान था, क्योंकि हम इम्तियाज़ से करते हैं, पर इम्तियाज़ में इतना ज़्यादा रश था, तो जो गुलशन वाले हैं और जो कराची में रहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर उन्हें इम्तियाज़ जाके शॉपिंग करनी है तो सुबह 8 बजे पहुँच जाएँ, क्योंकि 8 बजे खुल रहा है और शाम में 8 बजे बंद हो रहा है। 7:30 बजे जो है उनकी एंट्री क्लोज़ हो जाती है। पर ट्रस्ट मी, अगर आपको कोरोना से बचना है तो मत जाएँ। उसका रीज़न ये है कि इतनी लंबी लाइन थी और वहाँ पार्किंग नहीं होती, तो बाहर से रश देखकर हमने तो तौबा कर ली और हम गाड़ी चल रही नहीं। फिर हम गए लकी वन कारफोर। कारफोर पे एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, आप दूर रह के भी वहाँ पे अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। आई नो प्राइजेस का डिफरेंस होता है, कारफोर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्तियाज़, पर वही वाली बात है कि इम्तियाज़ में इतना ज़्यादा रश होता है कि आपका मूड एक तो ख़राब हो जाता है, प्लस आपको ख़तरा भी होता है कि भाई कहीं से टक्कर लग गई, और आप जितनी एहतियात कर लें लोग एहतियात नहीं करते। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी सारी चीज़ें, तो आप लोगों को प्राइसेस का अंदाज़ा हो जाएगा। दालें मैं एक्चुअली कभी भी नहीं लेती हूँ कारफोर से, मैं इम्तियाज़ से ही लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेनी पड़ी क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं इम्तियाज़ का चक्कर लगेगा। तो ये हाफ़ किलो की दाल है जो 89 रुपीज़ की, हाफ़ के जी 500 ग्राम, जो काली मसूर की दाल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद चना दाल 82 रुपीज़ की, हाफ़ के जी है, तो ये मैंने दो ली हैं। और ये मसूर दाल जो है ये 91 रुपीज़ की, हाफ़ के जी है। उसके बाद ये तो बिस्किट्स हैं, तो बिस्किट्स ऑब्वियसली ये तो घर में हम स्नैक्स रखते ही हैं। उसके बाद ये क्रीम ली है मैंने 2 पैकेट, हम फ्रूट चाट वग़ैरह बनाते हैं, तो ये वाली जो है ना ये 75 रुपीज़ ईच है, और ऑलपर्स की जो आती है वो 100 रुपीज़ से अबव है, तो इसमें आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं अगर आप ऑलपर्स के बजाय ये वाली ले लें। बॉक्सेस पे वहाँ पे प्रमोशन चल रही थी, ये वाले बॉक्सेस जो हैं इसके अंदर 3 हैं और ये 200 रुपीज़ के 3 कंटेनर्स मिले हैं, तो ये मैंने ले लिए कंटेनर्स। उसके बाद जो है डिपिट पे प्रमोशन चल रही थी, ये 210 रुपीज़ का डिपिट का सॉस है, 500 ग्राम होता है, इसके अंदर 1/2 kg आई गेस, तो डिपिट के चिली गार्लिक सॉस के साथ चाट मसाले का बॉक्स जो है वो प्रमोशन में था। उसके बाद ये जो है मेहरान का कोरमा मसाला, ये 1+1 2 का बैग है इनसाइड, तो ये मैंने लिए क्योंकि कोरमा हमारे घर में खाया जाता है ज़्यादा, तो और साथ में मैंने निहारी का भी लिया है, वो भी 1+1 वाला पैक है। उसके बाद ये छोटू से जो हैं ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं, ये हार्पिक का मैंने लिया, ये शायद मुझे 45 रुपीज़ का था आई गेस, और ये वाला डोमेक्स का 50 रुपीज़ का इस पर मेंशन है। और ये वाला जो है ये फ्लोर क्लीनर है, ये था कोई 52 या 53 रुपीज़, तो ये 3 का सेट ऑलमोस्ट मुझे 150 रुपीज़ में ये तीनों चीज़ें आ गई। आराम से इसको आप थोड़ा थोड़ा भी चलाएँगे तो आराम से आपका वॉशरूम जो है ना 15 से 20 दिन आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये शैम्पू हैं, ऑब्वियसली ये प्रमोशंस पे कभी भी नहीं होते, नहीं बल्कि प्रमोशन पे थे। शैम्पू जो है वो मुझे मिला है 200 रुपीज़ का, 199 रुपीज़, और जो इसका कंडीशनर है वो 245 के ही उसके प्राइस हैं हमेशा से। तो मैंने 2 शैम्पू लिए और 2 कंडीशनर लिए, साथ में ये जो है लक्स का शावर जेल, और ये 150 रुपीज़ का है आई गेस मेरे ख्याल में, मुझे रेट याद नहीं है। हैरत मुझे ये हुई कि हम जो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पहले कोई लास्ट ईयर 165 रुपीज़ का था मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है,
पर इस बार रू अफज़ा जो है वो 265 रुपीज़ का है। मतलब हम कभी नहीं सोच सकते थे कि रू अफज़ा जो है वो इस प्राइस पे भी आ जाएगा। तो रू अफज़ा अगर आप लोग लेने जाएंगे तो मार्केट जाके हैरान मत होइएगा। कारफोर से मुझे 265 का मिला है, हो सकता है इससे कम का इम्तियाज़ पे हो। मुझे लगता है कि इम्तियाज़ पे इससे कम के रेट का मिलेगा, पर कारफोर पे जो है वो 265 का मिला। उसके बाद ये मैंने नूरपुर का बटर लिया है, ये मार्जरीन नहीं है, ये बटर है। आप लोगों को पता होगा कि ब्लू बैंड जो है वो मार्जरीन है, वो बटर नहीं है। तो जो ब्लू बटर होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, मार्जरीन सस्ते होते हैं। तो ये 100 ग्राम का नूरपुर का बटर 75 रुपीस का मिला है मुझे कारफोर से। उसके बाद ये हाफ के जी बेसन का पैकेट कितने का था, आई गेस 75 या 80 रुपीस, 85 रुपीस का ये हाफ के जी का पैकेट बेसन का। और ये वाला आई गेस 1 kg का 180 रुपीस का पैक है बेसन का। तो मैंने हाफ के जी अलग लिया है, 180 वाला अलग लिया है। साथ में मैंने चीज़ ली है, ये डे फ्रेश की चीज़ है 350 रुपीज़ की। और इम्तियाज़ पे जो है, क्योंकि एडम्स की लेती हूँ मैं, एडम्स की होती है 245 या 285 की इम्तियाज़ पे। पर कारफोर पे एडम की चीज़ महंगी थी, कोई 395 समथिंग की थी, और डे फ्रेश की मिली है मुझे 350 रुपीज़ की। क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइंग आइटम्स बनाने होंगे तो उसमें चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ में टैंग जो है ये मेरे ख्याल में मुझे मिला है 300 रुपीज़ का पाउच आया गया। इस बार मैं मैंगो फ्लेवर लाई हूँ तो मैंने सोचा कि मैंगो इस बार करेंगे ट्राई। मैंगो पहले भी कर चुकी हूँ पर इस बार मेरा दिल हो रहा था कि मैंगो लूँ। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्लिंग फिल्म होती है, स्लिंग होती है ये जो हम कवर करते हैं जब भी आप कोई खाना वगैरह डिश वगैरह बना रहे हैं या फ्राइंग आइटम फ्रूट चाट बना रहे हैं सैलड बना रहे हैं, तो लिड ऑब्वियसली नहीं होता तो ये आसानी होती है। ये स्लिंग जो होती है ना, आपने इसको कट किया और अपनी डिश के ऊपर लगा दिया तो उससे आपकी चीज़ कवर हो जाती है। तो पहले मैं ये इतना रेगुलर बेसिस पे लाती थी पर अब काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने इसको लाना छोड़ा हुआ था, पर फाइनली मैंने ले लिया क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये कोई एल्बा का मुझे वहाँ से कॉर्नफ्लेक्स मिला, तो ये है 245 रुपीज़ का कॉर्नफ्लेक्स। नायलॉन में खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स। साथ में फ्री के जो स्प्रेज होते हैं, रिफ्रेशिंग एयर फ्रेशनर कह लें, तो ये मुझे मिला 175 रुपीज़ का। और यही वाले जो एयर फ्रेशनर है इम्तियाज़ में मिलते हैं कोई 150 के अंदर। तो और उसके बाद यहाँ पे वमजाइल आ गए। वमजाइल मैंने दो पैकेट लिए हैं 25 ईच रुपीज़ के। और साथ में ये कुछ स्नैक्स लिए हैं, बिस्किट्स वगैरह। और ये फाइनली जो आटा है ना, ट्रस्ट मी, ये सनरिच का आटा बहुत बेहतरीन आटा है। और ये 5 kg का पैक मिला है 435 रुपीज़ का कारफोर से। और मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वाला आटा ज़रूर ट्राई करें। इसके पहले 1 kg वाला पैक भी आता था, वो अब नहीं आता। तो मैं ये आटा लेकर आई हूँ और इससे बनेंगे पराठे। मामा, यस, ये फ्रिज बोलें, हाँ इसको फ्रिज में रख दें। साथ में मुझे लेनी थी अजवा खजूर। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये वाली अजवा खजूर जो है ये है छोटी वाली, और इसमें आती है एक बड़ी वाली अजवा खजूर। अजवा खजूर इम्तियाज़ पे जो है वो 2000 रुपीज़ के जी है। और यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर मेंशन है 763 रुपीज़ की मुझे ये मिली है। और इसका जो वेट है वो कोई ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स है, तो ऑलमोस्ट समझे सेम ही रेट हो गया। तो ये अजवा मैंने ली और मेरा बहुत दिल था काफ़ी टाइम से अजवा खाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अजवा मिल गई। आपको खाना है? और हाँ, अब हम ये खाएंगे नहीं। और बाकी ये बन मैंने ले लिया है, ये बन जो है ये मुझे शायद 50 रुपीज़ का पैकेट है, आई गेस 50 रुपीज़ में चार है मेरे ख्याल में। बाकी ये वाले जो कोफ्ता होते हैं ना, कोफ्ता बॉल्स, ये मेन्यू के बहुत अच्छे होते हैं, आराम से आप 2 से 3 टाइम जो है ना बना सकते हैं अगर आपकी छोटी फैमिली है। साथ में एज़ यूजल ये नाइल के मेन्यू के जो हैं वो चिकन पॉपकॉर्न। तो ये थी आज की रमज़ान ग्रॉसरी। और
अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो वहाँ मुझे नहीं मिली। असल मसला हमेशा ये होता है कि जब मैं इम्तियाज़ जाती हूँ तो इम्तियाज़ पे हर चीज़ मिल जाती है और कारफोर पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है, नहीं मिल पाती, प्लस रेट का भी डिफरेंस होता है। आज बहुत मजबूरी थी, मेरा दिल सिर्फ इम्तियाज़ जाने का ही था, पर ऑब्वियसली रश की वजह से मैं नहीं गई और मैं इतनी देर वेटिंग में खड़ा भी नहीं हो सकती थी। मेरी वो नेचर भी नहीं है कि कहीं जाना हो तो मैं वेटिंग में खड़ी हो सकूँ, मुझसे वेट नहीं किया जाता। तो इसीलिए फिर हमें मजबूरन कारफोर जाना पड़ा, फिर वहाँ से हम सारा सामान लिया। तो बाकी रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं तो फिर वो बीच में कभी देखेंगे कि अगर टाइम मिला, रश कम हुआ तो फिर जा कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये सब था और रेट्स का भी मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिया, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, थोड़ी हेल्प हो गई होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरा चैनल, लाइक और कमेंट कर दें, और कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, और मुझे बताएं कि आने वाली वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं।